पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध भागातून दुचाकी चोरून त्यांची विक्री करणाऱ्या चोरट्याला भोसरी पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्याकडून चोरीला गेलेल्या एकूण 33 दुचाकी जप्त करण्यात आल्यात. सुभाष आसाराम तोर असं अटक केलेल्या आरोपीचं नाव आहे. पिंपरी चिंचवड परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे. भोसरी परिसरात पोलिसांनी एका चोरट्याला ताब्यात घेतले आहे. चोरीची दुचाकी विक्रीसाठी एक जण भोसरीत येणार असल्याची माहिती पोलीस हवालदार उत्तम कदम यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून आरोपी सुभाष याला ताब्यात घेतले. सखोल चौकशी केली असता त्याने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातून तब्बल 33 वाहने चोरल्याचे सांगितले आहे. वो एक मोटरसाइकिल चोरी में मोटरसाइकिल बेचने के लिए आ रहा है, ऐसी बात में ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस हवालदार उत्तम कदम इनको मिली थी. इसके ऊपर हमारे भोसरी पुलिस के पुलिस उपनिरीक्षक कठोरे और पुलिस नायक हिंगे और पुलिस सिपाही रास्कर इन्होंने ट्रैप लगाया था. वो ट्रैप के दौरान ये सुभाष तौर को ताबे में लिया. उसके 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 पास जो मोटरसाइकिल थी उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो वो चोरी की मोटरसाइकिल ऐसा समझ में आया. और उसके वो मोटरसाइकिल साइकिल के लिए भोसरी पुलिस स्टेशन पे ऑलरेडी गुना दाखिल था. तो ये सब समझने के बाद उसको ताबे में लिया और उसके पास पूछताछ के दरम्यान उसने 33 मोपेड मोटरसाइकिल्स पूछताछ के दरम्यान उसके मालूम दी है और वो सब चोरी की निकल आ चुकी है. और उसके बारे में 33 मोटरसाइकिल के ऊपर गुनाह दर्ज है.